हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। माय नेम इज पीयूष एंड फिलर्स की सीरीज के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज डे सिक्स है, आज डे सेवन है। सो आज हम 151 से 170 तक क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। और एक चीज़, आप लाइव नहीं आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद फिलर्स में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। तो अगर ऐसा ही चलेगा दोस्त, तो मैं फिलर्स की क्लास कर दूंगा बंद, बिकॉज जब आप लोग का ही कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखने का, ठीक है। ये कुछ अटेम्प्ट्स मैं कर रहा हूँ कि आप लोग अगर चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप इस क्लास को अटेंड करिए, एंड अगर नहीं अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इतनी मेहनत दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए और आया करिए ज़रूर टाइम पे, ताकि मुझे लगे कि आप भी अपनी साइड से एफर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। 151 कह रहा है, माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, राइड अ हाई हॉर्स एक idiom होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ऐसी तरह से बिहेव करना जिसमें दूसरों को लगे या फिर आप जिसको दिखाना चाहो कि आप बेटर हो किसी और आदमी से या फिर किसी और लोगों से, ठीक है। इस तरह से बिहेव करना कि लोगों को ये लगे कि आप दूसरों से बेहतर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइड अ हाई हॉर्स, ये एक idiom होता है, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4th। 152, बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। बाय अ यूनाइटेड स्ट्रगल यहाँ पे हो जाएगा, देखो द नहीं होगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऐसा स्ट्रगल नहीं बताया है, ये एक जनरल यूनाइटेड स्ट्रगल की बात हो रही है जिसमें सब यूनाइट हो जाएंगे। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, एंड नहीं हो सकता क्योंकि जब हम यूनाइटेड को यू की तरह लिखते हैं तो यहाँ पे ये हमें कॉन्सोनेंट मिला है ना, कॉन्सोनेंट के पहले हम आ लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो 153, शी फियर्ड दैट शी डैश, अब इसमें शी फियर्ड दैट शी डैश, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा फॉलो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला शी फियर दैट, फिर क्या होगा, शी माइट, फिर वर्ब हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दिखाता है कि आगे की जो है वो चांसेस पॉसिबिलिटी वाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम मे माइट को यूज़ करते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मे कब हम यूज़ करते हैं और माइट कब यूज़ करते हैं, देखो जब हमें सर्टेनिटी नहीं होती है तो हम माइट यूज़ करते हैं, मे का मतलब होता है सर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी वो डर रही है, इसका मतलब उसको सर्टेनिटी बहुत कम है, तो इस केस में हम माइट यूज़ करते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक। 154 देखो, ही इज़ द मोस्ट जेनरस मैन, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, ही इज़ द मोस्ट जेनरस मैन कॉमा आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शंस कह रहा है, आई न्यू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको पता है फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम जब भी होता है हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई डैश नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये सही बन जाएगा, इसमें हम यूज़ करेंगे आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हैड नोन करते तो यहाँ पे इस तक का कनेक्शन नहीं दिखा पाता, ठीक है, तो ये पास्ट वाली बात हो जाती, आपको क्या दिखाना है, आई हैव नोन हिम, मतलब एक टाइम से लेके अभी तक मैं उसको जान रहा हूँ, इसके लिए हम हैव प्लस V3 यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज अ सरप्राइज टू मी, आई बिगैन डैश, अब आई बिगैन डैश, अब इसमें लिया है टू कट अ सॉरी फिगर, टू स्मेल अ रैट, टू रन अ न्यू लीफ, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अब देखो इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट एक idiom होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव सस्पिशन, है ना, यानी कि जब किसी को मतलब जब आप सस्पेक्ट करने लगते हो किसी को, जब किसी पे शक करने लगते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज़ का संदेह है, तो किसी चीज़ पे आप संदेह करने लगते हो कि शायद ऐसा हुआ हो, है ना, आपको शक होने लगता है, तो दैट इज़ टू स्मेल अ रैट, ये एक idiom होता है, इसको याद रखेंगे। टू कट अ सॉरी फिगर यहाँ पे दिया है, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू बी अशेम्ड, किसी चीज़ पे शर्मिंदा होना, ठीक है। टू टर्न अ न्यू लीफ एक ये idiom है, टू टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है वापस से शुरू करना नए तरीके से, है ना, न्यू लीफ, ये idiom देख के आपको समझ में आ रहा होगा, नए सिरे से शुरुआत करने को हम बोलते हैं टू टर्न अ न्यू लीफ। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी का दिमाग या किसी का माइंडसेट चेंज करने को बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो ये सारे यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पे सस्पेक्ट करने वाली बात आ रही है, शक करने वाली, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। 156, द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, अब यहाँ पे नेगेटिव भी आ चुका है, वॉज आया है, इधर क्या लगाएंगे, इधर आएगा वॉज और साथ में इट आएगा क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज इट, ऑप्शन नंबर 1।
157 लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स ऑल्सो मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ ऑल्सो मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ अब ऑप्शन है टू फिल देयर टीथ फिल्ड देयर टीथ फिलिंग देयर टीथ टू बी फिल्ड अब देखो मस्ट ऑल्सो मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल्ड डेंटिस्ट फिल्ड नहीं होता है कोई काम होगा जिसको हमें फिल करना होगा तो डेंटिस्ट के आगे अगर हमें इसकी ड्यूटी दिखानी है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा टू प्लस उसका जॉब ठीक है मस्ट हैव अ डेंटिस्ट टू डू समथिंग बात समझ में आ रही टू फिल देयर टीथ हो सकता है टू बी फिल्ड देयर टीथ अगर हम टू बी फिल्ड लगाएंगे तो टीथ पहले मेंशन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बाद में मेंशन है तो हम क्या लगाएंगे टू फिल देयर टीथ 157 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है इन्फिनिटिव लगाएंगे हम यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर वन विल बी द आंसर 158 देखिए इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट अब ये कह रहा है डिड नॉट हैव टू डू इट हैडंट डू इट hadn't to do, mightn't have done, must not have done. इसमें क्या लगाएंगे it is very kind of you to do the washing up, but you dash it. अब did not have to do, मतलब आपको नहीं करना था ये यानी कि उनका मन नहीं था करने का ऐसा कुछ इंडिकेटेड नहीं है तो वन नहीं लगाएंगे hadn't to do, नहीं करना था पहले की बात है ना तो नहीं करना था मतलब नहीं करने वाले थे ऐसा कुछ सेंस यहाँ पे इंडिकेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है mightn't have done आप नहीं कर रहे होते शायद है ना तो यहाँ पे शायद वाली बात नहीं है must not have done आपको ये नहीं करना चाहिए था जब भी कुछ ऐसा कोई कर देता है हमें लगता है जबकि वो उसे नहीं करना चाहिए था ये काम उसने कर दिया ज़बरदस्ती है ना उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा मतलब हम उसे ऑब्लाइज भी करते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं कि बेचारे ने कर दिया वो समर्थ नहीं था ये काम करने का फिर भी उसने कर दिया उस केस में हम मस्ट नॉट हैव डन यूज़ करते हैं मस्ट नॉट वाला सीन आता है वहाँ पे तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ 159 ही वेंट डैश द सी अलोन अब यहाँ पे ही वेंट इन द सी टू द सी इनटू द सी ऑन द सी ठीक है ही वेंट डैश द सी यहाँ पे पास में जाने की बात करी जा रही है तो टू द सी इन नहीं इनटू नहीं क्योंकि डूब नहीं जा रहा है ऑन द सी नहीं सी के ऊपर नहीं है ना 160 देखो द डैश ऑफ आर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टुडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज अकम्पनीड बाय वॉर अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ आर सिविलाइजेशन माइग्रेशन ऑफ आर सिविलाइजेशन रूट ऑफ आर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी मेटामॉर्फोसिस ऑफ आर सिविलाइजेशन फ्रॉम दैट क्या होता है मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है देखो बाकी सारे वर्ड्स का आपको मालूम पता होगा मतलब पता होगा मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना तो यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है कि सिविलाइजेशन जो है हमारा एग्रीकल्चरल सोसाइटी से कहाँ गया आज के कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आ चुका है तो क्या हुआ है हमारा सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो चुका है माइग्रेशन उसको बोलते हैं जब कोई आदमी यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है फिजिकली एडजस्टमेंट क्या होता है एडजस्ट कर लेना आपको अपने आप को है ना तो दो दो सिचुएशंस में एडजस्ट करना नहीं यहाँ पे क्या है ट्रांसफॉर्म हुआ है इंसान अपने आप को पूरा चेंज कर चुका है रूट नहीं है वो फिजिकली यूज होता है रूट ये गड़बड़ है आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक है 161 द कोर्ट डैश कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड द कोर्ट डैश कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड्स डैश में लिखा है टुक Made, gave या allowed. The court allowed cognizance of the criminal's words. 161 देखिए ध्यान से cognizance का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लो cognizance का मतलब होता है notice करना जैसे आप recognize करना बोलते हैं ना वैसे ही होता है cognize करना तो जैसे recognizance होता है वैसे ही cognizance होता है तो cognizance मतलब होता है notice करना right? So इसमें है क्या बोल रहा है the court टेक नोटिस ऑफ समथिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टुक कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड ठीक है साथ में हमेशा टेक लगता है टेक कॉग्निजेंस ऑफ एक idiom की तरह भी यूज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को नोटिस करना या फिर किसी चीज पे अटेंशन देना तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन याद रखिएगा हमेशा नोटिस के साथ में भी आप टेक नोटिस यूज करते हैं जब भी किसी चीज को नोटिस करने की बात होगी या फिर कॉग्निजेंस के साथ भी आप क्या यूज करेंगे टेक कॉग्निसेंस ठीक है यहाँ पे टुक यूज हुआ है वर्ब फॉर्म पास्ट में क्लियर 162 देखिए डैश विंस द सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिचॉइसिंग एट द विक्ट्री अब विच एवर विंस द सिविल वॉर नहीं होगा हुएवर व्हाटएवर या वेयरएवर व्हाटएवर नहीं हमको बताना है कि चाहे जो भी सिविल वॉर जीते है ना विक्ट्री में बहुत कम उल्लास दिखाया जाएगा ठीक है इसमें हम क्या यूज करते हैं कोई भी वॉर जीते
whoever wins the civil war, subjective case है तो हम whoever use करेंगे, whomever होता यहाँ पे तो भी ना use करते because subjective case में बात हो रही है, तो answer will be option number 2. 163, as he got older, his belief in these principles did not dash. अब देखो यहाँ पे लिखा है wither, W-I-T-H-E-R, wither का मतलब क्या होता है? To become less, कम हो जाना, wither का मतलब, as he got older, his belief in these principles did not wither. Wither का मतलब कम हो जाना, ठीक है? Second कह रहा है shake. Shake का मतलब होता है हिला देना, बहुत अच्छे से mix कर देना पूरा, है ना? Waver का मतलब क्या होता है? Weak या फिर unsteady हो जाना, जिसका कोई fix, मतलब fix ना रह पाए, जो that is unsteady, है ना? या बहुत कमजोर हो जाना. फिर यहाँ पे दिया है dither. Dither का मतलब क्या होता है? Hesitate करना, जो भी आप करने जा रहे हो, उसके लिए आप हेजिटेट करो क्योंकि आप प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या करने जा रहे हो. तो यहाँ पे डिदर नहीं हो पाएगा, वेवर नहीं हो पाएगा, शेक प्रॉपर हम फिजिकली टर्म्स में जल्दी शेक को यूज़ करते हैं फिजिकल टर्म्स में, तो यहाँ पे विदर यूज़ हो पाएगा. विदर का मतलब क्या होता है? लेस हो जाना, यानी कि कम हो जाना किसी भी चीज़ का, ठीक है? फिगरेटिव टर्म्स में भी यूज़ होता है और नॉर्मल टर्म्स में भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे विदर यूज़ करेंगे, W-I-T-H-E-R. ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर. 164, everyone in this world is accountable to God dash his actions. यार ये बहुत आसान है. Accountable के साथ में हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हम for यूज़ करते हैं. You are accountable for something or for anything that you do. Answer will be option number 2. 165, your father used to be the principal of this college dash. Question tag की बात करना है. Used to be the principal of this college. ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? Proper verb यूज़ किया, यानी कि main verb यूज़ किया है. हम क्या यूज़ करेंगे? Do, does, did में से. ठीक है? तो यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज. दूसरी बात, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर हमें नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा. पहले तो नेगेटिव वाले देख लेते हैं. डिड यहाँ पे है और ये डज यूज़ हुआ है. ठीक है? तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे? देखो, डिड नॉट ही, अभी यूज टू मतलब पास्ट की बात हुई है, तो डजंट ही लगाएंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, ये हट गया. क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिडंट ही हो जाएगा हमारा सही आंसर. 166, देखो, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. दूसरों की गलती से जो बुद्धिमान आदमी होता है वो सीख लेता है, खुद वही गलती करके सीखता नहीं है. ठीक है? जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं वो खुद वही गलती करते हैं और फिर सीखते हैं. ठीक, चलिए. 167, माई फ्रेंड हैज़ रिटन अ डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मार्स. क्या होगा यहाँ पे? देखो, अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की हैं वो सारी, है ना? फिक्शनल का मतलब होता है जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, है ना? फिक्शनल का मतलब होता है, सॉरी, जो फिक्शनल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो नॉन रियल होती है, है ना? और जो नॉट रियल या नॉट ट्रू जो होती है उनको हम फिक्शनल बोलते हैं. ठीक है? तो फिक्शनल यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिकॉज जर्नी टू मार्स वाली बात हुई है यहाँ पे. फैक्चुअल, जो फैक्टिशियस होता है, फैक्टिशियस का मतलब होता है जो जेन्युइन ना हो. फैक्टिशियस मतलब जो जेन्युइन नहीं है. तो आप यहाँ पे जर्नी की बात कर रहे हो मार्स पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज़ जब कोई लिख रहा है तो डेफिनेटली वो जेन्युइन वाली ही चीज़ें लिखेगा, है ना? फिर यहाँ पे लिखा है फैक्शनल एंड फैक्चुअल. अब देखो, फैक्शनल का मतलब क्या होता है और फैक्चुअल का मतलब क्या होता है? फैक्शनल का मतलब होता है, फैक्शनल का मतलब और फिक्शनल का मतलब. सबसे पहले देखो, फिक्शनल का मतलब क्या है? फिक्शनल का, सॉरी, फैक्चुअल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है. तो हमको यहाँ पे और किसी सेंस पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमको सिर्फ ऐसी ही डेटा चाहिए था जिसका मतलब क्या होता है? फैक्ट पे बेस्ड, है ना? तो फैक्चुअल वर्ड जो है यही एग्जैक्टली हमें चाहिए था. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज वी हैव टू मेंशन हियर द डेटा और समथिंग विच इज़ इंक्लूडिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो दैट इज फैक्चुअल. ठीक है? 168, स्पीड इज डैश एसेंस. अच्छा, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डैश एसेंस. ऑफ द एसेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक idiom है. ऑफ द एसेंस का मतलब होता है necessary या फिर बहुत important. ठीक है? स्पीड इज ऑफ एसेंस. ऑफ द एसेंस का मतलब क्या होता है? बहुत important चीज़, है ना? या फिर बहुत ज़रूरी चीज़. तो क्या हो जाएगा? ऑफ. ऑप्शन नंबर 4th लेंगे इसका आंसर. नेक्स्ट देखो, 169, आई वॉज वॉशिंग माई फेस एज द इंसेक्ट डैश क्वाइटली इन टू द बेडरूम. अभी इंसेक्ट है भाई साहब, है ना? यहाँ पे तो इंसेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंसेक्ट्स, आई वॉज वॉशिंग माई फेस. इंसेक्ट है तो क्रीप करेगा वो, है ना? क्रीपर बोलते हैं इंसेक्ट्स को, क्रीपर भी बोलते हैं. तो आई वॉज वॉशिंग माई फेस, जब मैं अपना मुंह धुल रहा था एज द इंसेक्ट डैश क्वाइटली इन टू द रूम. क्रैप्ट, पास्ट वाली बात यहाँ पे हो रही है. मैं अपना मुंह धुल रहा था तो इंसेक्ट क्या हुआ? क्रैप्ट
सीधा क्रीप करके चला गया बेडरूम में, ठीक है। क्रीप्स ना मतलब हमेशा, वॉज क्रीपिंग नहीं, क्योंकि दो दो चीज़ें वॉज में नहीं लग पाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हैज़ क्रेप्ट नहीं, बिकॉज ये पास्ट में हो रहा है तो हम ये प्रेजेंट में नहीं ला सकते हैं, इसको भी पास्ट के टर्म्स में ही यूज़ करना पड़ेगा। और इस केस में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, इवन जनरली हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकते हैं, बट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस फिर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन सूटेबल है दैट इज़ सिंपल पास्ट, दैट विल बी क्रेप्ट। तो इसकी वर्ब फॉर्म्स होती हैं क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, तो इसका वी टू लगाएंगे क्रेप्ट। 170 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीसेंट फ्लड्स 2/3 ऑफ आर सिटी डैश इन रूइंस। बहुत आसान सवाल है इसमें, देखो कह रहा है ड्यूरिंग द रीसेंट फ्लड्स 2/3 ऑफ आर सिटी, हमारी सिटी का 2/3 भाग, यानी कि 3 पार्ट्स में अगर हम सिटी को डिवाइड कर दें, उसका 2 पार्ट क्या हुआ है, डूब गया है ना, या बर्बाद हो गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है आर सिटी, ठीक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है, वॉज इन रूइंस, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। इसमें इज क्यों नहीं हो सकता, ड्यूरिंग द रीसेंट फ्लड्स, हाल ही में आए हुए फ्लड्स, यार आ चुके हैं ना, तो इस कैसे, गलत हो गया है ना, ऑप्शन नंबर 4th होगा इसका सही आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर किया करिए, बिकॉज कम लर्नर्स इसको देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिलर्स की क्लास को बंद करना पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहता ऐसा करना पड़े, भले मेहनत करनी पड़े, बट स्टिल आई वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो अप, राइट। सो अगर वीडियो पसंद आई है सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से शाम को 6 बजे, और इवन कल सुबह 9:30 बजे भी। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू।